सो अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। ये एक साइंस का सब्जेक्ट है। तो फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के अंदर ये होता है कि हम मेजरमेंट्स करते हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज या फिर मेजरमेंट के अंदर ही वो आती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज की एक डेफिनेशन है, फिजिकल क्वांटिटी इस आ क्वांटिटी टी ऑफ यूज्ड, हाँ जी वो जो है यूज होती है ना, ये इसकी फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच दैट इज यूज्ड इन मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स इक्वेशन मैथमेटिक इक्वेशन ऑफ साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो गाइस इसको आप याद कर लें या फिर इसके नोट्स बना लें, तभी जाते हैं हम आगे, नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव करते हैं। सो गाइस देख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर होता है मतलब के वॉच। फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर ये भी आता है मतलब के ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि कैलकुलेटर, और उसके बाद बैलेंस, वेट बैलेंस, और भी बहुत कुछ चीज़ें आती हैं, मीटर्स रूलर एंड हाफ मीटर रूलर, मेजरिंग टेप, ऐसी और भी चीज़ें आती हैं। तो इसी के साथ हम जाते हैं तो पास्ट के अंदर लोग फिजिकल क्वांटिटीज करते थे। कोई अगर पानी को चेक करने लगा था तो फिर अपनी एल्बो पानी के अंदर छोड़ के चेक करता था। ये मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बस कभी कभी हो जाती है। ये रहा वाटर के अंदर डाल के अपनी एल्बो पानी चेक करता था, पानी कैसा है, पानी गर्म है या ठंडा है। एल्बो और उसके साथ ही साथ और ग्लास, वो कुछ इस तरीके का शायद होता है, कुछ इस तरीके का। ये थोड़ा छोटा होता है, छोटा। यहाँ से सारी ये रेत होती है और यहाँ से सारी जा रही होती है, डिंग यहाँ चल जाती है। तो ये होता है और ग्लास। ये सारी चीज़ें हैं इसके रिलेटेड, पास्ट पीपल। ये सारे पास्ट पेपर में करते थे, और अभी जाते हैं और ग्लास कॉरस्पॉन्डिंग ठीक से करते थे। अभी हम जाते हैं इसी के साथ थोड़ा आगे मेजरमेंट्स की तरफ। सो गाइस इसको एज करने से पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि ये इसके जो है ना, आपने नोट इसको आपने मतलब कि याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सो गाइस अभी हम जाते हैं मेजरमेंट्स की तरफ। वो फिजिकल क्वांटिटी से मेजरमेंट ही किया है थोड़ा उसको होते हैं। ये देखिए गाइस, ये है, मैंने बना दिया एक बॉक्स टाइप। गाइस यहाँ पर जो है ना फिजिकल क्वांटिटीज
या मैं क्यू लिख देता हूँ, सेकंड क्यू। और यहाँ पे ऐसा यूनिट, सबसे पहले मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ एस आई यूनिट, वो मैं आपको इसके बाद भी बताता हूँ एक्सप्लेन करके। तो फिर इसके बाद यहाँ इसका मतलब के ऐसा यूनिट इसका, और यहाँ आएगा सिंबल। अच्छा सिंबल आएगा, सिंबल। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ क्वांटिटीज के अंदर, तो यहाँ फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर पहले आएगी लेंथ हमारी, लेंथ के बाद आएगा मास, मास के बाद आएगा टाइम, टाइम के बाद आएगा टेम्परेचर, और टेम्परेचर के बाद आएगा इलेक्ट्रिक करंट। सो गाइस इसका एक ऐसा यूनिट होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ऐसा यूनिट के मतलब के इसके बारे में सेम होता है, लेकिन वो हम सेम नहीं करते लेंथ, हम साइंस के अंदर उसको कुछ और पढ़ते हैं, मैथ के अंदर बेशक हम ये पढ़ते हैं, लेकिन साइंस के अंदर हम उसको कुछ और कहते हैं। लेंथ का हो गया जैसे कि, लेंथ क्या हो गया जैसे कि मीटर, मास का हो गया किलोग्राम, टाइम का हो गया सेकेंड्स, और टेम्परेचर का हो गया, टेम्परेचर होता है केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट होता है एम्पियर। सो गाइस इसका मतलब कि एक सिंबल होता है, जैसे कि लेंथ का होगा मीटर एम बड़ा वाला, के का किलोग्राम का होगा के जी, नहीं के ही होगा सर, सेकेंड का होगा एस, इसका कर जी होगा, केल्विन होगा केल्विन का होगा के, और एम्पियर का होगा ए। सो गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं ये पूरा एक ऐसा यूनिट और फिजिकल क्वांटिटीज को मिला के बनता है। अब मैं आपको समझाता हूँ उस ऐसा यूनिट क्या होता है। सो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ एस आई यूनिट, यूनिट क्या होता है। तो ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सो गाइस आप ये सोच रहे होंगे क्या है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया, आजकल जब हम साइंस के अंदर कुछ करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर, मतलब कि लेंथ हो गई, और हम मैथ के अंदर करते हैं लेंथ, लेकिन हम मतलब कि यहाँ करते हैं मास, साइंस के अंदर करते हैं मास, ठीक है, मास नहीं, साइंस के अंदर करते हैं मीटर। तो ऐसे ऐसे करके सारों की हम लेंथ साइंस के अंदर निकालते हैं, वो मैथ के अंदर कर लेते हैं, ये साइंस के अंदर। तो इसकी वजह से हमने बनाया था ऐसा यूनिट, जो मैं आपको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब 1960 में जो है मैनी साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ सिंगल यूनिट कॉल्ड ऐसा यूनिट और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो उन्होंने ये अडॉप्ट किया था क्योंकि पहले मैट्रिक सिस्टम था, मैट्रिक सिस्टम कुछ खास नहीं था, लोगों को समझ नहीं आता था, तो उन्होंने एक ही सिर्फ एक यूज़ करना शुरू कर दिया, वो है ऐसा यूनिट। तो अभी हम वही यूज़ करते हैं ऐसा यूनिट मैथ के अंदर, साइंस के अंदर, मैथ के अंदर हम
जैसे कि कर दिए लेंथ, किसी भी चीज़ की हम लोगों ने लेंथ निकालनी हो, उसके बाद टेम्परेचर भी उसके अंदर होता है, मैथ के अंदर सब कुछ होता है, लेकिन उस साइंस के अंदर अलग है, मैथ से साइंस अलग है। सो ये हुआ था एसआई यूनिट के अंदर, और एसआई यूनिट के साथ प्रीफिक्स भी है, प्रीफिक्स भी है। प्रीफिक्स इसके साथ है, इसके साथ चलती है। प्रीफिक्स मतलब के वर्क्स विद एसआई यूनिट टू चेंज द नंबर इनटू चेंज द नंबर बाय द फैक्टर ऑफ 10 इनटू बिगर एंड स्मॉलर। अभी मैं आपको बताता हूँ प्रीफिक्स के कुछ एग्जांपल्स, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए गाइस, प्रीफिक्स ये जो प्रीफिक्स है ना गाइस, ये जो है एसआई यूनिट के साथ चलता है। प्रीफिक्स इज यूज्ड विद एसआई यूनिट टू चेंज देम बाय द फैक्टर ऑफ 10 इनटू स्मॉलर और बिगर नंबर्स। जैसे कि आपने ये तो देखा ही होगा कि कंप्यूटर के अंदर होता है टीबी, जीबी और केबी, किलोबाइट, गागाबाइट और टेराबाइट, ऐसे करके। तो प्रीफिक्स वही है, ये टेरा, टेरा का एक सिंबल है टी। और उसके बाद टेरा, उसके बाद ये है प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स यहाँ लिखा हुआ है, ये पी मैंने गलती से लिख दिया, प्रीफिक्स। और यहाँ पे आएगा इसका मीनिंग, सो गाइस अभी ये मीनिंग, मीनिंग इसका टेराबाइट का क्या है, टेराबाइट मतलब कि सिर्फ टेरा है, बाइट नहीं इसके अंदर लिखी, टेराबाइट मतलब कि काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि गूगल के अंदर, गूगल के पास एक कंप्यूटर है जिसके अंदर टेराबाइट्स हैं, सबसे ज़्यादा है वो, मतलब कि जीबी होता है, फिर पहले गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, सबसे हाई लेवल पर टेराबाइट। तो उसकी तो इतनी ज़्यादा होती है सब कुछ, तो उसका जो है एक नंबर्स में मीनिंग होता है, मतलब 100, इसका भी आप खुद ही कैलकुलेट कर देना जब मैं लिख दूंगा। तरीका खराब अरब से भी ज़्यादा है ये, सो गाइस यहाँ पे अभी इसका खुद से ही हिसाब लगा लें। अभी गाइस ये जो हो गया ना, ये प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मीनिंग के अंदर हम इसकी पावर लिख सकते हैं, पावर के अंदर जीरो जितने, ये 1, 2, 3, 4 टोटल 12 ज़ीरो हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ टोटल 12 ज़ीरोस हैं, और अभी हम 12 ज़ीरोस हैं नहीं, इसको 10, हम सिर्फ 10 से लिखेंगे, क्योंकि जैसे प्रीफिक्स ने बताया पावर बाय 10, इसके अंदर 11 ज़ीरोस हैं, यहाँ 10 लिखा स्मॉलेस्ट फॉर्म इसकी 10 लिखा, और यहाँ इसकी पावर में हम लोगों ने लिख दिया 11। सो गाइस देख सकते हैं ऐसे भी हम लिख सकते हैं, हम लोगों को ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अभी इसके बाद इसके नीचे आता है गीगा, यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ। अभी यहाँ आता है गीगा, गीगा, अभी ये जो गीगा होता है इसका सिंबल होता है जी बड़ा, लेकिन इसमें हमेशा छोटे छोटे लिखते हैं, मैंने बड़े बड़े लिख दिया। तो इसके अंदर भी एक मीनिंग होता है, 1, 0, 1, 2 तकरीबन ये मिलियन से ज़्यादा है, बिलियन, बिलियन होगा ये, जहाँ तक मुझे लगता है बिलियन होगा ये इसकी है ये। अभी इसका भी जैसे कि इक्वल्स टू, इसका तो हो गया ना 10 रेज्ड टू पावर 11, अब इसका होगा
10 रेस्ट पार्ट 9। वैसे हम 10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ गाइस पे अभी आएगा मीगा, एम बी जो होता है या एम बरा, उसका मीनिंग है 1 मिलियन में ही चलेगा। और अभी आएगा किलो, के इसका सिंबल है। अभी यहाँ चल जाएगा 1,000। अब इसके नीचे आ गया गैस, किलो के नीचे है हेक्टो, हेक्टो हेक्टो का है एच सिंबल, इसका है 100, मीनिंग का है छोटा एच, सॉरी गैस इसका है एच छोटा। अभी यहाँ आएगा डेका, इसका होगा डी, इसका मीनिंग है 10। और ये भी होगा डिक्की, डिक्की थोड़ा सा आने वाला बर्ड है, डिक्की डिक्का नहीं डिक्की। अब इसका होगा खाली डी, हाँ। अभी यहाँ आ जाएगा 1/10। अब इसके नीचे आ जाएगा नैनो, इसके नीचे आ जाएगा मिली सेंटी, उसके बाद सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, ऐसे ऐसे करके वर्ड्स आ जाते हैं। अभी नीचे मैं आपको बता ही देता हूँ, सेंटी और इसका सी है, सेम अभी इसी तरह जाएगा लेकिन 1 से डिवाइड हो जाएगा ये सेंटी। और अभी इसका होगा मिली, मिली का मतलब होता है कुछ मिल गया नहीं, मिली मिली मिली। और इसका होगा एम, और इसका हो जाएगा 1/ कुछ भी कर लो। और फिर इसके बाद आएगा मिली के नीचे, मिली के नीचे माइक्रो, माइक्रो इसका। और गाइस माइक्रो इस तरह का इसका सिंबल है, और यहाँ जाके ये हो जाता है 1/ इसमें क्या आता है 0,0,0,0। और अब इसके नीचे आएगा, फिर क्या इसके नीचे है नैनो, फिर उसके नीचे है पिको, नैनो का है एन, पिको का है पी, नैनो का यहाँ जाके हो जाएगा 1/ खुद ही हिसाब लगाने का है आप, और पिको का हो जाएगा 1/ खुद ही हिसाब लगाने का है सभी आप। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की भी आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को कर दो लाइक, अगर चैनल पे नए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।